नमस्कार आदर इंडिया टाइम्स, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रीति ने छनो 3 साल से मानदेय न मिलने व उत्पीड़न से परेशान 27 रोजगार सेवकों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। डीएम को सौंपे इस्तीफे में जलालाबाद ब्लॉक के रोजगार सेवकों ने वीडियो पर गंभीर आरोप लगाए। डीएम को इस्तीफे की कापी सौंप एक एक कापी सांसद मुख्यमंत्री को भेज दी गयी। रोजगार सेवकों की साल 2016 में सपा सरकार ने भर्ती किए थे। मनरेगा के कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए रोजगार सेवक तैनात किए गए थे। शासन ने इन्हें 6000 रुपए प्रतिमाह मानदेय देना तय किया था। पहले साल में तो इन्हें वक्त पर मानदेय मिला, लेकिन 2017 में सरकार बदलते ही इन्हें बुरे दिन शुरू हो गए। कन्नौज, किस पोस्ट पर तैनात हैं आप? ग्राम रोजगार सेवक। क्या समस्या है? समस्या हम लोग 2017, 18, 19, 20 की मानदेय बकाया होने के संबंध में हम लोग इस्तीफा देने के लिए बाध्य हैं। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 27 लोग। क्या आप लोगों ने अधिकारियों को कोई अवगत कराया? अवगत कराया, जो कि हम लोगों को शासन की तरफ से 6000 रुपए मानदेय देने का प्रावधान था, बट हम लोगों को ब्लॉक के खंड विकास अधिकारियों द्वारा 3.5% कंटेंजेंसी के आधार पर मानदेय देने के लिए कहा जाता है। अगर आप लोगों की समस्या समाधान न निकला तो क्या करेंगे आप? तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने दे देंगे। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।